जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल में। और आज हम आपको हमेशा की तरह बता रहे हैं राशिफल, जिसमें हम बता रहे हैं मीन राशि के बारे में बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य, आपका जीवन, आपका परिवार, प्रेम, व्यवसाय और पैसे के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको कोई समस्या है, किसी भी तरह की हो सकती है समस्या, तो 8126476399 पे आप मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। तो आज की राशिफल बताने से पहले, जैसे मैं हमेशा से टिप बताती हूँ, तो पीछे की मैंने एक टिप दिया था कि कभी भी अगर आपको अपने लवर से मिलना हो तो कभी भी अमावस को और शनिवार को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा मैंने एक टिप ये भी दिया था आप लोगों को कि पूर्णमासी और शुक्रवार के दिन जो मिले जाते हैं रिलेशनशिप, वो बहुत अच्छे होते हैं। एक टिप मैंने ये भी दिया था कि कभी भी अपने प्रेमी प्रेमिका पति या पत्नी से शुक्रवार को कभी मत लड़ना, समझ रहे हैं ना, उससे टाइम फिर बेकार हो जाता है सब कुछ। और एक मैंने बताया था कि कभी भी लवर्स को कपड़े आपस में गिफ्ट नहीं करने चाहिए, ये भी आपको मैंने समझाया था। ये सब मैंने आपको टिप दिए थे। और एक मैंने आपको टिप ये भी दिया था कि यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो आप चाहे वो माता पिता, भाई बहन, वो दोस्त, बंधु, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो, तो आपको उनको चंदन जो होता है ना, चंदन उसका इत्र गिफ्ट कर देना चाहिए, या उसका परफ्यूम गिफ्ट कर दो, या चंदन किसी भी रूप में गिफ्ट कर दो। उससे लव रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं, चाहे जो भी हो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप, मैंने बताया। और आज मैं आपको एक और टिप देने जा रही हूँ, और वो टिप ये है कि यदि आपको किसी के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है और आप चाहते हैं कि वो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, आगे बढ़े, तो बस आपको इतना करना है कि भगवान जो गणपति महाराज हैं उनकी एक छोटी सी कोई भी स्टैचू ले आइए, छोटा सा कोई भी मूर्ति वगैरह, और बस आप उसको अपने किसी भी लवर को या जिसको भी आप मानते हैं, जानते हैं, उसको आप गिफ्ट कर दीजिएगा। इससे आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये हमेशा ही मैं आपको कुछ ना कुछ देती हूँ, और राधा कृष्ण की अगर मूर्ति भी गिफ्ट की जाए तो भी आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं। तो अब टिप की बात ही हो गई, अब मैं आपको बताऊँगी कि राशिफल। तो राशिफल में आज हम बात करें मीन की। तो मीन राशि वालों, स्वास्थ्य, धन संपत्ति, परिवार, प्रेम, व्यवसाय और वाहिक जीवन सब आपका टनाटन है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बढ़िया रहेगा। और फुल बिंदास पैसे वसूल दिन है आपका, यानी कि बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले कहूँगी तो बहुत बढ़िया है, खुशहाल रहेंगे, मज़े से अपनी ज़िंदगी, अपने टाइम को निकालेंगे, कुछ रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, उसके साथ मूवी देखने निकल जाएं। मीठे मीठा दिन है, मीठे मीठे पल हैं, बहुत अच्छा टाइम रहेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी अच्छा टाइम है। और अगर आप पैसे वगैरह कहीं लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका अच्छा टाइम है। थोड़ा सा व्यवसाय में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, किसी की राय को लेकर ही इन्वेस्टमेंट करना, अपने आप से इन्वेस्टमेंट करने मत चल देना, चार लोगों से पूछ लेना और अपने घर में भी बात कर लेना। और रही बात आपकी फैमिली की, तो फैमिली के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने वही बोला कि कुछ भी काम करने से पहले फैमिली से पूछ लेना, अगर फैमिली आपको अपोज करती है, मना करती है, तो मत करना वो काम, क्योंकि फैमिली फर्स्ट, ठीक है। और सभी चीज़ों को दुरुस्त कीजिएगा, और घर के जो सामान है उसको भी आप टाइम टू टाइम चेक कर लीजिएगा कि सब सही रहे। और साथ में मैं आपको, जहाँ तक आपके जीवन साथी की बात है, तो आपके जीवन साथी के साथ भी आपका हल्का सा थोड़ा बहुत तनाव मुझे लग रहा है, हो सकता है, लेकिन वैसे देखिए थोड़ा मोटा तनाव तो हर रिलेशनशिप में होता ही है, हो ही जाता है, और कोई किसी भी बात पर तुनक जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के आपका फिर भी टाइम बहुत अच्छा है। क्या कर सकते हैं मीन राशि वालों, मोती की माला या मोती का कोई अंगूठी वगैरह अगर आप चाहें तो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा और आपकी लव रिलेशनशिप अच्छे होंगे। एक और बात बता रही हूँ कि जिन लोगों की वृष राशि होती है, लगन सॉरी, जिनका वृषभ लगन होता है, वृषभ लगन होता है, उन लोगों को कभी भी जो चंद्रमा और बृहस्पति के उपाय नहीं करने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनको ये सूट नहीं करता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति उनके पेट में खराबी कर देता है और चंद्रमा उनको बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे दिक्कत देता है। तो ये मैं आपको लगन के हिसाब से बता रही हूँ, वृष राशि का लगन जो होता है, तो
तो उम्मीद है कि आपको राशिफल अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे 8126476699 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।